और रमजान चौधरी सबसे बड़े डकैत है। इन डकैतन भगाओ पहले थे इनसे, इन डकैतन समाज में बैठने लायक ना रहा है। एक लड़का और पकड़ रखो नहीं हो, नाम मेरे याद ना है कहाँ का है वो। जुनेद नासिर हत्याकांड में भी ये लोग कुछ बरगराना चाहते थे, इनको हमने मंच से इसीलिए भगाया था। शेर मोहम्मद जैसे गुंडों को, गुंडा ही कहूंगा मैं तो, अब क्योंकि कर दिया इन्होंने जो करना था। एक वो है, एक दो और हैं ये, इनने और आफ्ताब को और जावेद को मोहरा बनाया इन लोगों ने। उनको यही बेरा नहीं है कि कौन सी दिशा में ले जा रहे हैं हमें। आफ्ताब वहां जाके बैठ गया, आफ्ताब की शर्म सुना हम बोल पाए ना हमारा समाज बोल पाए, कि फिर भी चौधरी खानदान शर्म तो उनकी करते हैं थोड़ी बहुत ज्यादा ना। अगर आपता हुआ नहीं होता तो फिर पता पड़ती खड़ा लठबाज तुम्हारे हूँ, फिर बता दे तो कौन चौधरी आवे उन कौन लाभ उठाए। उस मामले को लेकर भी कई आवाजें जिस तरह जुनैद नासिर मामले में देखने को मिला कि कई सबर वहाँ अलग अलग उठे जब उनको दफनाने की बात आई थी ना। वो सही बात है, वो दुख की बात है। जो मामन खान वहाँ गया, मामन खान ने कौन सा बुरा काम किया था, इन्हीं चोरों ने इन्हीं आदमियों ने पुलिस को वहां बरगराया था और इन्हीं लोगों ने मामन खान को धक्का मुक्की दिलवाए थे। क्या मामन खान का लाइवल नहीं बनता था कि जहां ये वहां खड़े हैं पुलिस से अंदर जाकर के ये डोड बूढ़ी पहुंचे पड़े और मामन खान को भगाया जा रहा गेट से? क्या मामन खान नहीं है कि कौम का नेता? क्या मामन खान किसी से कमजोर है क्या? मामन खान को भगाया जाता है, ये लोग चोर लोग वहां बैठे अंदर जाकर के, कैसे काम चल पाएगा? तो जो एक कौम है अगर सटी डस जान है तो उनको पेट ना भरे। मन्ना का शेर मोहम्मद वहां पहुंच गए, अगर इतना बड़ा लीडर है, इतना बड़ा आदमी है, कौम को इतना बड़ा हितेशी है, तो फिर एक बात बताओ, आप जोर पड़ रहे हो इस चीज कहना में, भाई हम तो यहाँ पर धरना धरेंगा, हम डेड बॉडी ना ले रहे स्थिति में, और या फिर हमारा मुकदमा जहाँ का बनता है वहां कराएंगा, और वहां भी ना करा पा रहा तो कम से कम इतना तो उसको कहना था। जैसे रमजान चौधरी नूह का UBI फेवर कर रहा था, देखो लेकर आप कहना चाहेंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो ऐसा है, तो नहीं है सर, वक्त है अब, ऐसा है, क्या कहेंगे? ये बहुत दुख की घड़ी है जी। और इससे बड़ी कोई दुख की घड़ी हो नहीं सकती जी। सबसे पहले तो मैं उन लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन लोगों ने इस डेड बॉडी पर राजनीति की है। क्या लग रहा है आपको सर, कैसे राजनीति मान रहे हैं इस पे? सबसे बड़ी बात तो ये है, इस लड़के को हमारे गोविंद खड इलाके के थाने से उठाया गया, और इस इलाके से जब उठाया है तो यहाँ उसके खिलाफ ना तो साइबर क्राइम थाने पर कोई ऐसी कार्रवाई थी कि जो इनके लिए नोटिस थमाया गया हो, जो कानून का तरीका है, और ना यहाँ इस थाने में कोई मुकदमा इस लड़के के खिलाफ है, और ना हिंदुस्तान लेवल पे इस लड़के के खिलाफ कोई भी कहीं मुकदमा किसी भी तरीके का नहीं है, मुर्गी की टांग तोड़ने का नहीं। अब ऐसे पढ़े लिखे नौजवानों को, ऐसे बच्चों को, ऐसी नई युवा पीढ़ी को ऐसे हम मरते हुए उठते हुए देखें तो अब हम कैसे रह पाएं, क्या कर पाएं? और हमारे जो नुमाइंदे वहां थे उनकी मौजूदगी में उनको ऐसा लग रहा था कि हमारा यहाँ मुकदमा दर्ज हो जाए, ये बहुत बड़ी बात, वो बड़ी सफलता मान रहे थे, बहुत बड़ा उनका धन्यवाद दे रहे थे अधिकारियों के लिए कि ये मुकदमा ही दर्ज कर लिया इन लोगों ने, ये बहुत बड़े धन्यवाद देने की बात। ये बात क्या की गई है तो वहाँ तो मुकदमा ऑटोमेटिक बन ही जाता है, वहाँ तो वो चौधरी साहब बड़ा बड़ा लीडर ना जाता मान के चलो, जब भी मुकदमा वो तो लीगल तरीके से होता, वो तो उनका परिवार वाले दो बंदे पांच बंदे पंचनामा दे करके वहाँ डेड बॉडी सुपुर्द मिल जाती उनके, और वो मुकदमा दर्ज हो जाता। पुलिस तो घूम रही थी इस फिराग में कि मुकदमा दर्ज करा के डेड बॉडी ले जाए यहाँ से। दरअसल मैं सुबह जब यहाँ से गया था ना, तो सुबह जैसे पहुंचा था तो मैंने वहां सारी छानबीन की थी, और छानबीन करने के बाद में सारी चीज का मैंने जायजा लिया था, यहाँ चल क्या रहा है। वहाँ दो तीन चौधरी बड्डेड़ा ऐसा पहुंचा पड़ा है, तो जो एक कौम है अगर सटी डस जान है तो उनको पेट ना भरे। मन्ना का शेर मोहम्मद वहां पहुंच गए, अगर इतना बड़ा लीडर है, इतना बड़ा आदमी है, कौम को इतना बड़ा हितेशी है, तो फिर एक बात बताओ, आप जोर पड़ रहे हो चीज कहना में, भाई हम तो यहाँ पर धरना धरेंगा, हम डेड बॉडी ना ले रहे स्थिति में, और या फिर हमारा मुकदमा जहाँ का बनता है वहां कराएंगा, और वहां भी ना करा पा रहा तो कम से कम इतना तो उसको कहना था। जैसे रमजान चौधरी नूह का UBI फेवर कर रहा था। देखिए अतावला जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका क्या मतलब है और क्या आप चाहते थे कि इसमें क्या क्या होना चाहिए था, डेड बॉडी लेने से पहले, उसके शरीर को लेने से पहले, सबको लेने से पहले आप क्या चाहते थे कि क्या कुछ होना चाहिए था? हम चाहते थे इसमें ये, पहली बात तो ये थी कि हमारा सबका मशवरा होता, उर्ली तरफ जितने भी आदमी गए थे सब मशोरे में बैठते, और सब मशोरा करके हम ये तय करते कि मुकदमा हमें गोविंदगढ़ थाना करना है या फिर हमने फरीदाबाद में करना है। इस चीज के लिए किसी से पूछा नहीं। नंबर दो,
यदि हमारा गोविंदगढ़ थाने में किसी तरीके से तालमेल नहीं भी बैठता है कोई बात नहीं, अगर वहां हमें मुकदमा कराना ही था तो डेड बॉडी हमें इतनी जल्दी लेने लायक कंडीशन में हम नहीं थे कि हम तुरंत नौजवान की डेड बॉडी को ले लें। डेड बॉडी लेने के लिए तो हम 2 दिन में 5 दिन में 10 दिन में 20 दिन में जब लेते, जब हमारे लिए हमारे बच्चे का मुआवजा, हमारे लिए सरकारी नौकरी, हमारे लिए हमारी मांगे, और वो जो दरिंदा था, जो वह डकैत है, जो लुटेरा है, जो आदमियों को डस रहा है, जो राजेश खटाना है, क्या है वो, उसकी सबसे पहले गिरफ्तारी उसकी ये तय होती कि उसकी गिरफ्तारी आज करेंगे या उसको सस्पेंड टर्मिनेट कब करेंगे, उस चीज किसी ने भी नहीं रखी। तो क्यों नहीं रखी गई, ये बात दुख की बात तो है। रहा मसला इस चीज का कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी उन्हीं के पास है, वो उसको भी वही बीजेपी सरकार लाके देगी। अगर उसमें मौत या हत्या दोनों में से अलग अलग चीज होती है कि हत्या किसी को मारना, अगर इस तरह का वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता लग पाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता लग पाएगा और FSL रिपोर्ट के बाद पता लग पाएगा। पोस्टमार्टम से पूरा खुलासा नहीं होता, उससे ये होता है ये चोट फेंटे हैं और जो चोट फेंटे उसकी पसलियां तोड़ रखी है, उसकी उंगलियां तोड़ रखी है, उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ रखा है, उसके हाथ पैरों में जो लठ उन्होंने दिए, मारा गया बुरी तरीके से, वो सब जख्म पूरे गांव ने, सारे लोगों ने यहाँ देखे हैं, ये सब सबूत हैं, इन्होंने बताया ये चीजें कुछ कहाँ कहाँ चोट है। तो बात इस चीज की है कि इन लोगों ने इतनी आसानी से डेड बॉडी को ले कैसे लिया, ये बड़ी दुख की बात। और मैं वहां गया, मैंने इनसे अपनी बात रखी, मैंने इनसे कहा कि यहाँ हमारे साथ बड़ी बड़ी राजनीति हो रही है और इसमें हम इस मुकदमे को या तो वहां कराएं राजस्थान में, अगर राजस्थान में मुकदमा होता तो इनमें असलियत में जो न्याय मिलना था वो सच्चाई के साथ मिलता, और राजस्थान पुलिस की वजह से ही उनको डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो राजस्थान में ये मुकदमा करा दें और फिर ये इन्वेस्टिगेशन कराएं, कौन से CCTV कैमरे के नीचे रखा है बच्चे को, कौन से थाने में कहां मारा है बच्चे को, कौन सा कैमरा चेक करना है, कौन सी CCTV चेक करनी है, कौन सी हॉस्पिटल में मृत अवस्था में ले जाया गया है या फिर जिंदी अवस्था में ले जाया गया है, कौन से बेड नंबर पर इलाज चला है और कौन से बेड नंबर बगल में कौन मरीज एडमिट था उस दिन। तो ये सब चीजें हमें रिकॉर्डली चाहिए थी, उस रिकॉर्ड को राजस्थान पुलिस ही निकाल के देती और उन लोगों का शिकंजा इतना लंबा कसा जाता कि जिंदगी में वो लोग याद रखते किसी के बच्चे पे नाजायज हाथ नहीं डालते। यही मामला जुनैद नासिर हत्याकांड में हुआ था, जुनैद नासिर हत्याकांड में भी ये लोग कुछ बरगराना चाहते थे, इनको हमने मंच से इसीलिए भगाया था, शेर मोहम्मद जैसे गुंडों को, गुंडा ही कहूंगा मैं तो, क्योंकि कर दिया इन्होंने जो करना था, इसीलिए भगाया था कि ये लोग बिरादरी में और समाज में बैठने लायक नहीं रहे, ये लोग चोर और बिकोरे हो गए, वहां बहादुरपुर की मस्जिद को बेच आए, वहां पूजा पाठ के लिए तो आश्वासन दे आया है और वहां नमाज पढ़ने के लिए मना कर आया है, ये मेरी बनावटी बात नहीं है, ये जीता और जागता सबूत है। वहां जब मैं गया हूँ बहादुरपुर मस्जिद पर, हूँ भी इसकी यही हरकत में लिए, 2-5 आदमी पकड़े और पकड़ करके वहां पंचनामा लिख दिया कि पूजा पाठ करते रहो, यहाँ पर चादर चढ़ाते रहो और मुसलमान कोई नमाज पढ़ नहीं आएगा। वहां जो ऐसा ही लगा रखा था, 2-5 पुलिस वाले पटक रखे थे, वो ताश खेलते मिले वहां पे, वो जुआ खेलते मिले वहां पे, जूते मस्जिद में काट रखे थे उसने, और वहां हमारी खटपटे एकदम जूते फेंक दिए मैंने उठा के वहां से, ताश वाश खेलने के लिए मैंने जैसे उनसे कुछ विरोध किया तो काफी वहां हमारी झंझट होगी। झंझट होने के बाद मैंने कहा ये पूजा वाले क्यों आ रहे हैं यहाँ पर, नू भाई साहब वो मना कर रखा है। कैसे मना कर रखा है, जब उन्होंने लेटर दिखाया है कि साहब सदर साहब ने ये लेटर लिखा है और ये दिया है कि पूजा को चालू रहने दो और मस्जिद में नमाज पढ़ना बंद कर दो। 1800 साल से मस्जिद में नमाज होती थी, वो जब की मस्जिद है, जब क्या नाम उनका हसन खमेवाती के समय की मस्जिद है वो, और पीर शाह जमाल साहब जो है उनकी वहां मतलब मजार। तो ये कौम को डसने जा रहे हैं ये लोग, क्या लग रहा है कि सेकंड मामले पे वहां पर राजनीति ना ये सौदा करते हैं लाशों का। जयपुर में सुन ले मेरी बात, और रमजान चौधरी सबसे बड़े डकैत है, इन डकैतों ने भगाओ पहले थे इनसे, इन डकैतों ने समाज में बैठने लायक ना रहा है। एक लड़का और पकड़ रखो ने वो, और नाम मेरे याद ना है कहाँ का है वो, एक वो है, एक दो और है इनने, और आफ्ताब को और जावेद को मोहरा बनाया इन लोगों ने, उनको यही बेरा नहीं है कि कौन सी दिशा में ले जा रहे हैं हमें। आफ्ताब वहां जाके बैठ गया, आफ्ताब की शर्म सुना, हम बोल पाए ना हमारा समाज बोल पाए, कि फिर भी चौधरी खानदान शर्म तो उनकी करते हैं थोड़ी बहुत ज्यादा ना। अगर आफ्ता हुआ नहीं होता तो फिर पता पड़ती खड़ा लठबाज तुम्हारे हूँ, फिर बता दे तो कौन चौधरी आवे उन कौन लाठ उठाएगा। उस मामले को लेकर भी कई आवाजें, जिस तरह जुनैद नासिर मामले में देखने को मिला कि कई सबर वहां अलग अलग उठे जब उनको दफनाने की बात आई थी ना, वो सही बात है, वो दुख की बात है। जो मामन खान वहां गया, मामन खान ने कौन सा बुरा काम किया था, इन्हीं चोरों ने, इन्हीं 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 आदमियों ने पुलिस को वहां बरगराया था और इन्हीं लोगों ने मामन खान को धक्का मुक्की दिलवाए थे। क्या मामन खान का लाइवल नहीं बनता था कि जहां ये वहां खड़े हैं पुलिस से अंदर जाकर के ये डेड बॉडी पहुंचे पड़े और मामन खान को भगाया जा रहा गेट से,
क्या मामन खान नहीं है कि कौम का नेता? क्या मामन खान किसी से कमजोर है क्या? मामन खान को भगाया जाता है, ये लोग चोर लोग वहां बैठे अंदर जाकर के, कैसे काम चल पाएगा? मैं तो कौम को यही संदेश देना चाहता हूँ, स्वयं अपनी रक्षा करो और इन 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 दरिंदों को पहचानो, ये लोग तुम लोगों को खत्म करवा रहे हैं। पुलिस मुलजिम बाद में है, कौम के मुलजिम सबसे बड़े मुलजिम ये हैं, जो कौम को गड्ढे में ले जाने का काम कर रहे हैं। इनके पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, तो क्यों जाते हैं ये हिस्सा बनने के लिए वहां? क्यों इतना हिस्सेदारी जताते हैं वहां जाकर के? ये लोग बिल्कुल खत्म हो चुके, इन लोगों को इनकार करो, इन लोगों को साइड कर दो, ये लोग बिल्कुल तुमको बर्बाद कर देंगे। तो यही बताना चाहता हूँ बस आप लोगों को, आगे की रणनीति हमारे पास कुछ छोड़ा नहीं है। वहां हमारा हाथ दोनों काट लिया इनने, हमारे वहां का छोटा भाई पे साइन करवा लिया, डेट बोध भी हमने दफना दी, और मामला आगे के लिए कोई गुंजाइश होगी कोर्ट कचहरी की, वहां हम साहब मशोर करेंगे, अपनी बात करेंगे। लेकिन हाथ जोड़ा की बात है, कौम बर्बाद हो रही है, खत्म हो रही है, जिनका मर गया बच्चा अब उनसे पूछने वाला नहीं है। किसकी माँ ने दूध पिलाया, इन्वेस्टिगेशन के लिए कौन सा लीडर जाएगा उन पता पड़ जाएगी, कौन डीजल फूंक कर जाएगा पता पड़ जाएगा वहां, और वहां कौन कहेगा कि हमारे किसने थानेदार को बंद किया कि नहीं किया है, पता पड़ जाएगा इन लीडरों का। हील थाना सुरा उपाड़ के फेंक देते राजस्थान का हम, अगर जही की कोई बात आ जाती थी। लेकिन इन आदमी ने तो यहीं तक की बात आनी ना दी। यहाँ इस थाने में, जहाँ जिस थाने में, जिस क्षेत्र भाई, हमारा क्षेत्र से आदमी उठा है, रिपोर्ट दर्ज कराया, हमारा क्षेत्र से आदमी उठा है, तो यहाँ रिपोर्ट दर्ज क्यों ना होने दी आदमी ने? इन्हें मनमानी रिपोर्ट दर्ज वहां क्यों की? वो पुलिस तो वहां की चाहती थी कि हमारे पास रिपोर्ट रहे। भाई थड़ा बाबा की थड़ी, बाबा का ही न्याय हो, उनकी थड़ी होगी उनको न्याय होगा। बीजेपी की सरकार, बीजेपी का पुलिस, बीजेपी को प्रशासन कैसे न्याय दे देगा? हम या बता दो आप, हमारे लिए न्याय मिलना की कोई संभावना नहीं है। और ये भी मेरे पास बात आई है, लड़के को हार्ट का मरीज बताया जा रहा है, जबकि पसलियां तोड़ दी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उंगलियां तोड़ दी, फ्रैक्चर जगह जगह हो गए, सर में भी चोटें हैं, पैरों में भी चोटें हैं, क्या वो हार्ट का मरीज है? पिताजी से जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ऐसा बताया जा रहा है कि पानी में डुबो कर उनको मारा है। नहीं, पिताजी से मेरी बात हुई नहीं है, पानी में डुबो के मारा कैसे मारा, चोटें उसके नजर आ रही है, पसलियां तोड़ रखी है, मार मार के ही मारा है उसको, लट्ठों से मारा है उसको, बेहुरमती से मारा है, भूखे पिसाए को मारा गया, इस वजह से उनकी जान गई है। लेकिन अभी जो है वो इसलिए उनको दफना दिया गया है कि केस दर्ज इस मामले पर यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल समझौता हुआ था। जी जी जी, इनका तो समझौता हो ही गया था पहले।